नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं सोनल टोपी वाला दिव्यांग न्यूज के। एग्जाम बोर्ड की प्रिपरेशन किस तरह से करनी चाहिए, उसके लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं रवि आर कुमार, द क्वार्क इंस्टीट्यूट के फाउंडर है, जिनको शिक्षक के गुरु कहा जाता है। रवि भाई, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत स्वागत है। रवि भाई, बोर्ड एग्जाम का महत्व क्या है? दसवीं अगर बोर्ड की हम बात करें तो दसवीं बोर्ड परीक्षा के पहले जितने भी बच्चे एग्जाम देते हैं वो सब आंतरिक इंटरनल एग्जाम होता है, जो स्कूल में जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसी के द्वारा आयोजित किया जाता है। तो वहाँ बच्चे मानसिक रूप से अपने को थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। तो एक ये दूसरा महत्व की बात जहाँ हम बात करें तो बोर्ड एग्जाम एक पहला एग्जाम आता है दसवीं बोर्ड किसी भी स्टूडेंट के जीवन में, जहाँ उसके भविष्य के निर्माण की आधारशिला वहाँ से शुरू होती है। जैसे हम कहें फाउंडेशन डाला जाता है। पहले बहुत समय पहले तो ये था कि दसवीं बोर्ड के मार्क्स के आधार पर कई सारी सरकारी नौकरियों और दूसरे तरह की नौकरियों के आधार तैयार होते थे, तो बोर्ड को परीक्षा को बहुत ज़्यादा महत्व देने की परंपरा शुरू हुई। यद्यपि समय के हिसाब से बोर्ड परीक्षा का नौकरियों में और अन्य जगह के एडमिशन में महत्व थोड़ा कम हुआ है, फिर भी परंपरागत तौर पे पारंपरिक रूप से विद्यार्थियों और बच्चों के मन में बोर्ड परीक्षा का एक बहुत विद्यार्थियों और उनके पेरेंट्स के मन में समाज में भी बोर्ड परीक्षा का एक बहुत बड़ा महत्व चल रहा है अभी भी। बोर्ड के एग्जाम की बच्चों को लास्ट वन मंथ बाकी है, तो किस तरह से प्लानिंग करके पढ़ना चाहिए? अंतिम एक महीना है वो बहुत ही क्रूशियल होता है, अंतिम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दो तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक सतत पढ़ाई करते हैं सालों भर, और ऐसे लोगों की संख्या, ऐसे स्टूडेंट्स की संख्या बहुत कम होती है। दसवीं तक और बारहवीं तक की मैं बात करूं तो अधिकांश बच्चे ऐसे हैं, खासकर दसवीं तक में, जहां वो परीक्षा ज्यों ज्यों पास आता है, जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आता है तब उनकी सिंसेरिटी बढ़ती है और वह लास्ट के ही दो तीन महीनों में वो ज़्यादा काम करते हैं। लेकिन जब एक महीना बचा हो तो उसका महत्व बहुत ज़्यादा इसलिए है कि वहाँ उस समय जो आप करते हैं वो डायरेक्ट परीक्षा में आपको फ़ायदा मिलता है, क्योंकि वो बिल्कुल फ्रेश रहता है आपके ब्रेन में। अब यहाँ सोचना ये है कि उस एक महीने का सबसे इफ़ेक्टिव यूज कैसे करें। तो उस एक महीने में सबसे इफ़ेक्टिव यूज करने के लिए कुछ चीज़ों का को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप कोई भी लास्ट के एक महीने में कोई भी नई किताब या नया गाइड या नया नोट्स ना लें। आपने जो अभी तक जो पढ़ा है उसी को एक महीना का टाइम ये नया पढ़ने और प्रिपरेशन करने का नहीं होता है। आपने जो पढ़ा है और जो ऑलरेडी मटेरियल आपके स्टडी मटेरियल या नोट्स आपकी नज़रों से गुजरा है, जिसको आप पढ़ चुके हैं, उसी में को दोबारा लर्न करना, उसको उसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लाना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो पहला, नया कुछ ना करें। दूसरा, फोकस्ड स्टडी करें, बहुत फैला के, जैसे आप एकदम प्लानिंग के साथ स्टडी करें कि सबसे पहले मुझे किन किन टॉपिक्स का, कुछ बड़े टॉपिक्स होते हैं किसी सब्जेक्ट में और कुछ छोटे टॉपिक्स होते हैं, कुछ आप बोर्ड के हिसाब से कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनके मार्क्स, जिनका वेटेज ज़्यादा होता है, मतलब उनसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और बोर्ड उनको ज़्यादा मार्क्स देता है, ये आपके पहले से ही बोर्ड क्लियर कर चुका होता है, तो उन टॉपिक्स पर भी आपका फोकस ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि वो आपको कॉन्फिडेंस ज़्यादा देंगे। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनका वेटेज भी ज़्यादा होता है और दूसरे टॉपिक से उनका लिंक भी होता है, तो वैसे अगर मेन टॉपिक्स को आप अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो लिंक्ड टॉपिक में भी आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें लास्ट के एक महीने में कि आप एक दिन में, सबसे पहले तो आप हो सके, अगर जिस स्कूल में बहुत पावरफुल रिवीजन नहीं हो रहा है, जिस स्कूल में बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम की प्रैक्टिस अगर अच्छे से नहीं हो रही है, तो आप कोशिश करें कि आप घर पे रहें और उस एक दिन में आप दो से तीन सब्जेक्ट पढ़ें। एक महीने का जब समय बाकी है तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैथ पढ़ रहे हैं तो पूरे दिन मैथ ही पढ़ रहे हैं, या साइंस पढ़ रहे हैं तो पूरे दिन साइंस ही पढ़ रहे हैं, एसएस पढ़ रहे हैं तो पूरा दिन, ऐसा आप नहीं कर सकते, क्योंकि अब आपके पास फटाफट रिवीजन करने का एक की आदत होनी चाहिए। तो आपको एक दिन में मिनिमम दो सब्जेक्ट तो रखना ही चाहिए, अगर हो सके। अगर आप 10 घंटे पढ़ते हैं पूरे दिन में, अगर स्कूल नहीं जा रहे हैं
और 10 घंटे पढ़ रहे हैं। बहुत सारी स्कूल बोर्ड एग्जाम पास आता है तो स्टडी लीव दे देते हैं, तो उसमें अगर आप 10 से 12 घंटे पढ़ रहे हैं तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड करें। दो आइडियल सिचुएशन ये है, आपको बहुत सारे लोग सलाह देंगे कि हर, कुछ लोग कहते हैं 1 घंटे के बाद गैप लो, कुछ कहते हैं 2 घंटे के बाद गैप लो, और 2 घंटे की लगातार पढ़ाई के बाद आप कुछ गैप लो। लेकिन मैं यहाँ यह सजेस्ट करूँगा कि ऐसा, हर आदमी की कैपेसिटी अलग अलग है, हर स्टूडेंट की कैपेसिटी अलग अलग है, आपके लिए कोई फिक्स रूल काम नहीं करता है। कभी कभी ऐसा होता है जैसे आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और आपको बहुत मज़ा आ रहा है पढ़ने में, बहुत इंटरेस्ट क्रिएट हो गया और आप 4 घंटे भी लगातार बैठ के पढ़ते हैं, आपको पता नहीं चलता है, और आप 2-2 चैप्टर एक बार में, 3-3 चैप्टर पूरा कर देते हैं क्योंकि पहले से आपका पढ़ा हुआ, आप रिविज़न कर रहे हैं। तो यहाँ आप किसी इस तरह के रूल में ना बंधें कि घड़ी देख के घंटे के बाद ऊपर ही उठना है, वहाँ से पढ़ाई से छोड़ देनी है, बाहर घूम के आना है। हाँ, जब आपको लगे कि अब ब्रेन की इनटेक कैपेसिटी, जो अब जो लेने की कैपेसिटी है, रिटेनिंग कैपेसिटी अब समाप्त हो रही है, थोड़ा थकान और भारीपन और हैवीनेस महसूस हो रहा है, तो आप जरूर किताब बंद कर दें। उससे उस समय आप जबरदस्ती काम करने से आपको कोई फायदा, आप बाहर घूम लें, थोड़ा म्यूजिक सुन लें, किसी से बातें कर लें, और वो करके फिर एक सर्टेन गैप के बाद थोड़ा पानी बीच में पीते रहें, जिससे ब्रेन के लिए बेटर होता है, और आप फिर पढ़ाई में लग जाएं। कई सारे विद्यार्थी ये बोर्ड की एग्जाम को लाइफ की एग्जाम समझ बैठते हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल, क्या कहोगे? कोई भी एग्जाम लाइफ का एग्जाम नहीं है, और जब परीक्षा का, बोर्ड परीक्षा का जब परिणाम आता है, रिजल्ट आता है, और जब अखबारों में जो बहुत ही डरावना न्यूज़ आते हैं, किसी ने आत्महत्या कर लिया, किसी बच्चे ने ये कर लिया, तो मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ, ये स्टूडेंट्स के लिए भी और उनके पेरेंट्स के लिए भी, कि जीवन का कोई भी एग्ज़ाम, ये जीवन का एग्ज़ाम है, जीवन नहीं है, और ये परीक्षा, बोर्ड की परीक्षा लाइफ नहीं है बिल्कुल। और एक ज़माने में इससे बहुत ज़्यादा, जैसा मैंने शुरू में कहा कि जॉब्स का सीधा कनेक्शन हुआ करता था 10th और 12th के बोर्ड एग्ज़ाम से, आज मैं आपका ध्यान बोर्ड पर के से कम नहीं करना चाहता, लेकिन इतना मैं बताना चाहता हूँ कि अब वो समय नहीं है कि बोर्ड के एग्जाम से आपका करियर और आपका लाइफ तय हो रहा, समय पूरी तरह से बदल चुका है। अब अगर आप कहीं, जैसे आप द क्वार्क जैसे मेडिकल और इंजीनियरिंग की क्लासेस लेता है, तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में या किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए 12वीं के बोर्ड का मार्क्स का वेटेज 0 कर दिया गया है। तो अब वो बात नहीं है, फिर भी मेरे कहने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप बोर्ड को सीरियसली ना लें, बोर्ड को आप सीरियसली लें, क्योंकि वो एक आधार तो तय करता ही है, लेकिन ये जीवन नहीं है। और बोर्ड में अगर मार्क्स खराब होते हैं तो हमारा करियर खराब हो जाएगा, हमारा जीवन खराब हो जाएगा। इस सोच के साथ, इस दबाव के साथ जब आप तैयारी करते हैं, इस दबाव को लेके मन पे जब परीक्षा हॉल में आप जाते हैं, तो आप जितना बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं वो भी नहीं दे पाते हैं, और अंत में आपको निराशा और अवसाद की स्थिति आ जाती है। कई बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं और उसके आगे की कहानी अखबारों के page 3 पे छपती है। ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, पेरेंट्स को भी मानना चाहिए, ये सिर्फ एक बोर्ड एग्जाम है, जीवन नहीं है। Life does not start here, life doesn't end here. कहीं से आए विद्यार्थियाँ बोर्ड के आगे के टाइम में, बोर्ड के एग्जाम के आगे के टाइम में IMPs आती है, सोशल मीडिया पे जब क्वेश्चन आते हैं, वो आते हैं, उसकी उन लोगों को लगता है कि नहीं, इसमें से ही मेरा पेपर आ जाएगा, और उसको वही पढ़ के जाते हैं और वही आता ही नहीं है, तो उन लोगों को आप डिफरेंस बताइए कि क्या होता है उसका। बहुत आपने बेसिक सवाल पूछा, ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का चक्कर है, जितने भी लोग लाइफ में शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं ना, शॉर्टकट, ये सब शॉर्टकट ढूंढने की प्रवृत्ति है, और शॉर्टकट कई बार बहुत लंबा हो जाता है, नुकसान तो करता ही है और वो बहुत लंबा भी हो जाता है। ऐसा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और गेस पेपर्स और गेस वर्क्स, बहुत सारे मामलों में ये काम नहीं करता है, और उससे जो निराशा उत्पन्न होती है, मान लो आपने, आपका पहला पेपर है और पहला पेपर आपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को बेस रख के आपने प्रिपेयर किया हुआ है, और बोर्ड का पहला पेपर आप देने जा रहे हैं, अगर आपकी वो स्ट्रैटेजी नहीं काम करी, और मैक्सिमम केस में वो स्ट्रैटेजी काम नहीं करती है, तो जब नहीं काम करती है तो वो पेपर तो आपका बिगड़ता ही है, उसका जो हैंगओवर है वो बाकी के पेपर्स पे जाता है, और बाकी के पेपर्स भी आप उसी डिप्रेशन में, उसी अवसाद में, दुख में देते हैं, और उसके बाद बाकी का पेपर भी आप
खराब करके आते हैं और इस तरह से आपका पूरा रिजल्ट कंप्रोमाइज हो जाता है। कोई इम्पॉर्टेंट पेपर या सोशल मीडिया में चलने वाले सुझावों पर बहुत ज़्यादा, सबसे पहली बात कि जब बोर्ड एग्जाम आपका पास आ गया तो सोशल मीडिया को तो बिल्कुल हाथ जोड़ ले ना कह दें, क्योंकि आपको मोबाइल और ये टीवी के चक्कर में या फेसबुक और व्हाट्सएप और ट्विटर और इंस्टाग्राम, इससे तो दूर रहना ही पड़ेगा एक महीने। अगर इस एक महीने में भी अगर आपने सोशल मीडिया का चक्कर नहीं छोड़ा तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि उसमें इतने सलाह देने वाले लोग हैं जिन इतने इतने तरह के विचार और सलाह आते हैं कि उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करना ही मुश्किल है, और वो मार्गदर्शन कम करता है, कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट करता है। तो ये इस तरह के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के चक्कर में ना पढ़ें। जो पूरे साल आपने सिलेबस को पढ़ा है उसको बहुत अच्छे से रिवाइज करें, हर चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। और अभी आप पिछले कई वर्षों के सवालों को देखेंगे तो अब कभी भी ऐसा नहीं होता कि किसी खास चैप्टर पर जोर दिया जा रहा है, कुछ पोर्शन को छोड़ दिया जा रहा है। और अगर आप कोई ट्रेंड पकड़ने की कोशिश करेंगे तो आप जरूर धोखा खाने वाले हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में, इस तरह के एग्जाम में ट्रेंड ये है कि इसका कोई ट्रेंड नहीं है कि कौन से एग्जाम, कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। तो आप ट्रेंड पकड़ने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब के चक्कर में ना पड़े। थॉरो स्टडी आपने की है उसको खूब अच्छे से रिविजन करें और उसको बार बार लिख के, बार बार प्रेजेंट करके, आप याद करके, याद करने की कोशिश करें उसको। बोर्ड के एग्जाम में बच्चे चोरी करते हैं, तो उनको पता नहीं होता है कि चोरी कर रहा है वो, सीसीटीवी कैमरे में उनका पूरा रिकॉर्डिंग हो रहा है और उन्होंने की चोरी, तो कौन सी शिक्षा उनके सामने दी जाएगी उन चोरी की, एक मिनट की चोरी के लिए। बिल्कुल, ये जो जिस तरह की नकल की प्रवृत्ति हम कहते हैं, जो परीक्षा हॉल में जो ये कॉपीइंग करते हैं, मास कॉपीइंग और नकल की जो प्रवृत्ति है, ये आजकल देश में बहुत सारे राज्यों में महामारी के रूप में फैलता चला जा रहा है। कुछ राज्यों के दृश्य टीवी कैमरे पर आ जाते हैं, कुछ राज्यों के दृश्य टीवी कैमरे पर नहीं आते हैं, लेकिन बहुत सारे जगहों पे चल रहा है ये काम। और अफसोस की बात है कि टेंथ बोर्ड परीक्षा से लेके यूनिवर्सिटी लेवल तक भी कई राज्यों में चल रहा है, आप अखबारों में आप देखते हैं। लेकिन कुल मिला के इससे आज तक किसी का भला नहीं हुआ, क्योंकि आज अगर, पहली बात तो इसमें यह है, जो भी विद्यार्थी सुन रहे हैं, जो भी, अगर आप इस तरह की प्रवृत्ति रखते हैं, इस तरह का आपका एटीट्यूड है कि आप इस तरह से मार्क्स अर्जित करना चाहते हैं, तो आप जान लीजिए कि आपके मार्क्स के आधार पर आज के डेट में कुछ भी डिसाइड नहीं होता है। आपने आपके मार्कशीट में क्या लिखा है, इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास कौन सा स्किल है। तो आप पढ़ के जो नॉलेज प्राप्त करेंगे, उससे जो आपका आगे करियर में जो फ़ायदा होगा, आपके प्रोफेशनल लाइफ में जो फ़ायदा होगा, वो आपका मार्कशीट हमेशा आप गले में ले लगा के नहीं घूमेंगे कि देखो मैं बोर्ड का रैंकर हूँ और टॉपर हूँ और मैं 98% आया और 96% आया। वो 15 दिन के बाद पड़ोसी और क्या घर के लोग भूल जाते हैं और जीवन में आगे बहुत काम नहीं आता है। तो आप जब सही मीन्स से आप एग्ज़ाम देते हैं, सही एटीट्यूड से एग्ज़ाम देते हैं, तो आप में एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस होता है और वो कॉन्फिडेंस आपको जीवन में आगे बढ़ाता है। एग्ज़ाम देने का मतलब क्या है, अच्छे मार्क्स लाने का मतलब क्या है, कि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो विद्यार्थियों को एक नैतिक मामला भी है, एक मोरल इशू भी है कि आप अभी ये सोच लीजिए कि आप जीवन में किस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। इन्हीं बैसाखियों के द्वारा आगे बढ़ना चाहते हैं, आप अपने को इतना कमजोर मानते हैं कि आपको चोरी करना पड़े, आप पे दाग लगे। आप जब अच्छे मार्क्स आ भी जाएंगे और कभी अकेले बैठ के आप सोचेंगे तो आपके अंतरात्मा आपको धिक्कारेगी कि तुमने ये मार्क्स कैसे लिए हैं, किस तरह से तुमने ये लिए हैं और तुम जीवन में क्या करोगे। तो इस तरह पर फोकस ना करके, ये कानूनी अपराध भी है, अगर आप पकड़े जाते हैं तो कुछ लोग तो रस्टिकेट किए जाते हैं, परीक्षा से निकाला जाता है। कुछ केसेस में बोर्ड 3-3 साल का बैन लगाती है, कुछ केस में वो साल बर्बाद होता है और आप पर कानूनी कार्रवाई होती है, जेल भी जा सकते हैं, फाइन लगाया जाता है, परीक्षा के लिए प्रतिबंध लगाया जाता है। तो कुल मिला के कितनी छोटी सी बात के लिए आप कितना बड़ा रिस्क ले रहे हैं, ये जरूर। और इस बात को ध्यान में रख के मैं आपसे कहूँगा कि ये नकल की प्रवृत्ति का, नकल का विचार भी आपका, बहुत सारा होशियार चंद लोग मिलते हैं बाजार में, हो भाई ये होशियार चंद आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके कोई रिश्तेदार हो सकते हैं, वो आपको तरह तरह के आइडियाज और सलाह देंगे। परीक्षा के समय ऐसे होशियार चंदों से बच के रहने का। ये टेंथ वाले बच्चे
पहली बार न्यू एटमोसफियर में एग्जाम देने जाते हैं तो उनके माइंड में वो एक कैमरे साथ वहाँ पे क्या होगा, तो उस उलझन का आप क्या सुलझाओगे? राइट, बिल्कुल, बहुत अच्छा है कि अभी तक उन्होंने जो भी एग्जाम दिया है अपने स्कूल में एग्जाम दिया है, होम सेंटर होता है, मतलब वो होमली इन्वायरमेंट में वो एग्जाम देते हैं, तो उनको एक साइकोलॉजिकल प्रेशर उतना बड़ा नहीं होता है। बोर्ड का एक समाज में प्रेशर है और साथ ही साथ सबकी नज़र होती है बोर्ड, और वो भी जब एग्जाम दूसरे स्कूल में होता है तो वहाँ क्या फ़र्क पड़ता है, एक तो कई बार सेंटर दूर होता है, वहाँ जाने में के लिए सावधानियाँ बरतनी चाहिए, समय पर पहुँचना चाहिए, और वहाँ लोग अनजान होते हैं, लेकिन वहाँ और बोर्ड के इन्विजिलेटर्स, बोर्ड के अधिकारी भी वहाँ मौजूद होते हैं जो केंद्र से आ सकते हैं, सीबीएसई के केस में सीबीएसई के सेंट्रल ऑफिस से आ सकते हैं, या स्टेट बोर्ड के केस में स्टेट बोर्ड के सेंट्रल ऑफिस से आ सकते हैं, तो वहाँ माहौल थोड़ा स्ट्रिक्ट और शायद उतना फ्रेंडली ना हो, लेकिन बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो आपको कोई असुविधा ना हो इसका पूरा ध्यान रखते हैं, लेकिन वहाँ आपको स्वयं पर निर्भर होकर काम करना होता है। पहला, समय से पहले पहुँचें आप अपना कोई भी पेपर ना भूलें, आप कोई भी एडमिट कार्ड, फोटो और जो भी जो अपने आपके स्टेशनरी हैं वो सब ना भूलें, आप समय पर जैसे ही एंट्री दी जा रही है उस समय एंटर करें, तुरंत अपना एग्ज़ाम का रूम लोकेट करें, आपका जो मास्टर चार्ट मिलेगा बाहर वहाँ रूम लोकेट करें, अगर इसमें कोई तकलीफ हो रही है तो वहाँ हेल्पर्स होते हैं उनसे तुरंत बिना हिचक के मदद लें, किसी दोस्त या किसी दूसरे ऐसे लोगों से ना पूछें क्योंकि वो गलत जानकारी दे सकते हैं, तो स्कूल के ऑथराइज लोग वहाँ खड़े होते हैं उनसे आप जानकारी लें, तुरंत अपनी सीट पहचान के सीट पर, और ये ध्यान रखें कि आप सही सीट पर बैठें, और कहीं भी किसी भी असुविधा में आप फ्रैंक लेकिन विनम्र तरीके से एक आप अपना पूछें। अधिकांश सेंटर पर पूरी तैयारी होती है, प्रिंसिपल से लेके पूरे टीचर्स की टीम और स्टाफ वहाँ आपके मदद के लिए खड़े रहते हैं, आपको किसी तरह की असुविधा महसूस हो रही हो तो बहुत सहज और विनम्रता से जाके आप उनसे बात करें, आपको 99% केसेज में वो लोग मदद करने के लिए खड़े होते हैं और आपको ज़रूर मदद करते हैं, इस विश्वास के साथ आप जाएं कि वहाँ सब कुछ सकारात्मक रहेगा। और दूसरी बात, जब आपने अच्छी पढ़ाई की है, अच्छी तैयारी की है, तो एग्ज़ाम आपके घर में हो या स्कूल में हो या कहीं और हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, आप इस कॉन्फिडेंस के साथ जाएं कि मेरा ज्ञान मेरे साथ है, मैं जहां भी जाऊंगा मेरा ज्ञान, मेरी पढ़ाई, मेरी याददाश्त, मेरी मेमोरी, मेरे फैक्ट्स एंड फिगर मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, और इस विश्वास के साथ जाएंगे तो बहुत अच्छा एग्जाम होगा आपका। आप माता पिता को क्या कहोगे जो अपने बच्चों की तुलना दूसरे बच्चों के साथ करते हैं? कई बार तुलना, ऐसे एक सामान्य धारणा कहें तो तुलना करना सही नहीं है। तुलना करना इसलिए सही नहीं है कि हर बच्चा अपने में यूनिक है, हर का एक स्टाइल, उसकी क्षमता, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स, उसके नेगेटिव पॉइंट्स, हर बच्चे का अलग। अगर एक ही घर में दो भाई बहन हैं, दो भाई हैं, तो भी उनकी क्षमताएं अलग अलग होती हैं, उनके तरीके अलग अलग होते हैं, और हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, ये बात तो हमें ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम कभी कभी मैं बताऊं कि तुलना करना, कभी कभी अगर सकारात्मक रूप से और थोड़ी सी तुलना की जाए तो मैं बिल्कुल इसके खिलाफ भी नहीं हूँ। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ कि विवेकानंद ने ऐसा किया था, या अपने टेंथ के बोर्ड एग्जाम में अगर हम कहते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इतने मार्क्स लाए थे, तो कई बार तुलना अगर सही तरीके से की जाए तो बच्चों के लिए वो इंस्पिरेशन का काम करता है, और तुलना अगर गलत तरीके से की जाए तो बच्चे को डिप्रेस करता है। तो हमें ये देखना है कि तुलना बहुत ज़्यादा ना करें पहला, और दूसरा अगर तुलना करते हैं तो उसको इस तरीके से करें कि बच्चे को वो इम्प्रेस करे, बच्चे को वो मोटिवेट करे, चार्ज करे स्टूडेंट को, ना कि उसके लिए और एक डिप्रेसिव एग्जाम्पल बन जाए और उसको ये फील होने लगे कि जिनकी तुलना मुझसे की जा रही है वो तो कुछ बहुत स्पेशल लोग हैं, वही कर सकते हैं, मैं तो कर ही नहीं सकता। तुलना इस तरह से माइल्डली की जानी चाहिए कि उससे पता चले उसको कि इफ ही कैन डू आई टू कैन डू, अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, ये अगर फीलिंग जाती है बच्चे में तो कई बार तुलना पॉजिटिव भी हो सकता है। आप रवि जी, आप दिव्यांग बच्चों के साथ भी जुड़े हैं, तो उनको कौन सी स्पेशल फैसिलिटीज मिलती है गवर्नमेंट की ओर से? बिल्कुल, दिव्यांग बच्चे समाज में एक, कई बार क्या है, हमने दिव्यांग बच्चों के साथ बहुत नज़दीकी से हम उनको देखते हैं, उनके साथ काम करते हैं, उनको कई बार पढ़ाया भी है, और सेवा डिसेबल वेलफेयर ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो आदरणीय कनु भाई, पद्मश्री कनु भाई टेलर की संस्था है, उनके साथ जुड़ के भी काम करने का मेरा सौभाग्य रहा है, और मैं लगातार जुड़ के बच्चों को देखता हूँ, जहाँ प्राइमरी लेवल से लेके
कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल तक के बच्चों को, दिव्यांग बच्चों के लिए स्पेशल क्लासेस लगाई जाती है, तो मैंने देखा है कि वो स्पेशल बच्चे हैं और वो स्पेशल बच्चों को थोड़ा स्पेशल केयर किया जाना चाहिए। और वो स्पेशल केयर सौभाग्य से सरकार भी, चाहे राज्य की सरकारें हों, केंद्र की सरकार हो, या कानून और पुलिस प्रशासन भी उनके प्रति आजकल बहुत संवेदनशील है और समाज में उनके प्रति एक सकारात्मक माहौल बना है, उनको एनकरेज करने की कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया ने भी इसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो परीक्षा हॉल में जब ऐसे विद्यार्थी जाते हैं, मान लो हम बोर्ड की चर्चा कर रहे हैं, तो बोर्ड परीक्षा में अगर ऐसे जो हमारे दिव्यांग हैं, स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रेन हैं, उनके लिए तरह तरह के नियम और बनाए गए हैं। जैसे अगर कोई विजुअली डिसेबल्ड है, आँख से वो मतलब देख नहीं सकता, तो उसके लिए ब्रेल से संबंधित पढ़ने और ब्रेल से लिपि से ही वो एग्ज़ाम देने के लिए उसको सुविधा दी जाती है। अगर किसी के हाथ में प्रॉब्लम है किसी भी तरह से, अगर उसका हाथ काम नहीं कर रहा है या हाथ है भी पूरा लेकिन वो इफ़ेक्टिव रूप से काम नहीं कर रहा है, तो वहाँ उसको एडिशनल हेल्पर दिए जाते हैं जो उनको काम करने में, उनको उनकी बातों को एक्सप्रेस करने करता है, लिखता है। उनको समय थोड़ा ज़्यादा दिया जाता है, उनके उनके लिए ऐसे सेंटर बनाए जाते हैं जो डिसेबल फ्रेंडली हो, जैसे वहाँ सीढ़ियाँ ना हो के रैंप बनाए जाते हैं, वहाँ इस तरह के व्हीलचेयर की सुविधाएं दी जाती है, वहाँ उनका जहाँ बिठाया जाता है, जो उनका रूम होता है उसके बाजू में ही टॉयलेट का अरेंजमेंट हो, ऐसा किया जाता है। और तरह उसके प्रति जो ऐसे सेंसिटिव सेंटर्स क्रिएट किए जाते हैं जहाँ के स्टाफ, टीचर, प्रिंसिपल बहुत सेंसिटिव हो और इन स्पेशल बच्चों के स्पेशल नीड्स को वो समझ सके और उस हिसाब से वो उन पर एक्ट कर सके, ध्यान दे सके, तो सरकार ने भी और बोर्ड भी अब बहुत सेंसिटिव है इन बच्चों को। अच्छा, अगर मैं बहुत सारी प्रवेश परीक्षाओं की बात करूं, नौकरी की जो परीक्षाएं होती हैं उसकी बात करूं, तो वहाँ इनमें इनको बहुत अच्छा एक रिजर्वेशन की भी सुविधा मिलती है। बहुत सामान्य से कम परफॉर्मेंस करके भी इनका रिजल्ट बेटर और इनको रैंकिंग बेटर मिल जाती है, ताकि इनका अपना करियर बनाने में सुविधा मिलती है। तो दिव्यांग बच्चों के लिए, स्पेशल किड्स के लिए स्पेशल अरेंजमेंट कानून ने भी किया है, हमारे डिफरेंट बोर्ड्स ने भी किया है, और नौकरियों में भी के लिए भी जो एग्ज़ाम होते हैं वहाँ भी उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। ये बहुत सकारात्मक बात है, बहुत एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है समाज की तरफ से। पहले जो उनको दया के तरह से, उन पर एक दया करने की दृष्टि से देखते थे, उनको सहानुभूति की दृष्टि से देखते थे, अब उनको एनेबल करने के लिए, उनको कैपेबल बनाने के लिए लोग सक्रिय हैं। ये बहुत पॉजिटिव बात है, हम उन पर दया ना करें, उनको कैपेबल बनाएं, उसमें अपना योगदान करें। इसमें बोर्ड भी कर रही है, समाज भी कर रहा है, सरकार भी कर, ये बहुत अच्छी बात है। अब दिव्यांग न्यूज के माध्यम से जो बच्चे बोर्ड में एग्जाम देने वाले हैं, उनको क्या टिप्स देना चाहते हो? सबसे जरूरी टिप्स ये है कि जितना दिमाग याद रखना, एग्जाम में तुम्हारे ब्रेन का मैक्सिमम यूज होने वाला है, तो दिमाग पर, आपके मस्तिष्क पर, ब्रेन पर जितना दबाव बनेगा, वो दिमाग उतना ही कम परफॉर्म करेगा। तो तनाव और दबाव ना बनने दो, और इसका एकमात्र तरीका है कि अभी भी अगर एक महीना बचा है तो आज से, अभी से ही अगर प्रोग्राम आप देख रहे हो, अभी से जबरदस्त अपना 100% देने की कोशिश करो। अभी सोशल मीडिया, टीवी, जो स्क्रीन एडिक्शन है, चाहे वो स्क्रीन हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, टीवी हो, टैबलेट हो, कुछ भी, स्क्रीन को अभी साइड कर दो, वहां से कुछ मिलने वाला नहीं है, वो एडिक्शन है, पहला तो ये। दूसरा, अपना अगर तनाव और दबाव से मुक्त रहना चाहते हो तो हार्ड वर्क शुरू कर दो, अपने स्टडी आवर्स बढ़ा दो। कोई फिक्स आवर नहीं होते हैं कि कोई कहेगा 8 घंटे पढ़ना चाहिए कि 10 घंटे पढ़ना चाहिए कि 12 घंटे पढ़ना चाहिए, ये सवाल बहुत उचित नहीं है। लेकिन बहुत इफेक्टिव वे में अपने 24 घंटे के समय का आज यूज जरूर करना चाहिए एवरीडे। तब तुम देखो कि आज मान लो सुबह आज तुमने ये निर्णय किया कि आज मैं अपना बेस्ट दूंगा, और तुमने 12 से 13 14 घंटे पढ़ा और खूब फोकस होके पढ़ा और दो या तीन चैप्टर के अलग अलग टॉपिक्स को प्रिपेयर किया, लिखने का अभ्यास किया, तो शाम को तुम्हें जब सोने जाओगे तो तुम्हें बहुत तनाव मुक्त महसूस करोगे, रिलीव्ड और रिलीफ फील करोगे, और एक अंदर से सेटिस्फैक्शन का भाव होगा कि आज मैंने अपना काम किया। और इस तरह से रोज तुम करोगे तो तुम पर लास्ट के दिन में भी कोई तनाव या दबाव नहीं बनेगा। दूसरा,
कोई भी, जैसा शुरू में मैंने कहा, कोई नया चीज मत करो, नया किताब, नई किताब, नया नोट्स के चक्कर में मत पढ़ो। कोई दोस्त कान में आके बोलेगा मैंने उस टीचर का नोट्स लिया है, बहुत बढ़िया है, ऐसा है उसमें, बिल्कुल इस चक्कर में ना पढ़ो। तुम्हारे पास जो अब तक साल भर में जमा है वो बहुत अच्छा है और सफिशियंट है, उससे न नई किताबें खरीदो न नए नोट्स लो, और हड़बड़ी में आप उल्टी चीजें करोगे और जिसका परिणाम नेगेटिव होगा, क्योंकि वो चीजें, अगर हो सकता है वो किताब बहुत अच्छी हो नई किताब, लेकिन अब आप उस पर मास्टरी नहीं कर सकते, तो उसके चक्कर में ना पढ़ो। आप गलत मीन्स के बारे में ना सोचो, सिर्फ और सिर्फ अपने एबिलिटी पर भरोसा रखो। आप कई बार क्या होता है, एग्जाम हॉल में भी मौका भी मिले, वैसे तो बोर्ड परीक्षा की अब वैसी संरचना नहीं रही, लेकिन मौका भी मिले तो नकल की कोशिश मत करो, क्योंकि हो सकता है कि आप अपने नॉलेज से जितना लिख पाते उससे कम ही मार्क्स आप ला पाओगे। दूसरा, आपको परीक्षा जब लिखने जाओ, रोज आप उसके पहले रोज एक सब्जेक्ट की 3 घंटे का जो एग्जाम, जो भी आपका बोर्ड का समय है, उतने का एक पेपर रोज लिखो और किसी टीचर से इवेल्युएट कराओ, ताकि आपको लिखने की आदत पड़े, प्रेजेंटेशन की आदत पड़े। प्रेजेंटेशन पर बहुत ज्यादा ध्यान दो। आपके पास फैक्ट्स, फिगर, कॉन्सेप्ट तो होने ही चाहिए, लेकिन साथ साथ आपको एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन अगर आप कर पाते हो अपनी कॉपी में, तो आपका नॉलेज कितना है ये आपकी कॉपी एग्जामिनर को बताती है। तो आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है, लिखने की आदत डालो, प्रेजेंटेशन पॉइंट्स लिखने की, बुलेट पॉइंट्स लिखने की आदत डालो, काट पीट ना करो ज़्यादा, और कन्फ्यूजिंग बातें ना लिखो, स्पेलिंग मिस्टेक्स ना करो, साफ सुथरे ढंग से प्रेजेंट करो, तो एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होता है जिससे एग्जामिनर आपको खुश होके बेहतर मार्क्स देता है। ये मेरा टिप्स है आपके लिए। रवि भाई, लास्ट में आप बच्चों को क्या कहोगे, जिन बच्चे एग्जाम के दिन पूरे रात पढ़ते हैं और सुबह अच्छी तरह से तैयार हो जाते हैं, पर एग्जाम टाइम में वो लिख नहीं पाते? यहाँ पेरेंट्स के लिए भी सुझाव है और बच्चों के लिए भी बहुत ही जरूरी सवाल है ये, कि अगर आपने ये बात एग्जाम की शाम में या जिस दिन, अगर अगले दिन एग्जाम है, तो ये बात अपने मन को आप ठीक से समझा लो कि अभी तक जो आपने किया है वो अपना बेस्ट दिया है, और जो भी किया है और जो भी आपने प्रिपरेशन की है, अब इसमें अगले 12-13 घंटे में अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा कुछ करने की कोशिश करोगे तो आप उसमें नुकसान ही करोगे। पहली बात, एग्ज़ाम के एक दिन पहले की जो रात है, जिसके अगले दिन हम एग्ज़ाम देने जाते हैं, उसमें एक सामान्य स्टूडेंट को मिनिमम 7 आवर्स की नींद, 7 घंटे की नींद तो होनी ही चाहिए, और रात में हल्का भोजन करें, हल्का भोजन लेके 7 घंटे की नींद लेनी ही चाहिए। अगर नींद से सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आपने पूरे साल जो पढ़ाई की है वो सारी चीज़ें आपके ब्रेन में बहुत सिस्टमेटिक वे में व्यवस्थित होगा, और एग्जाम के समय आप उसको बहुत ही पावरफुल तरीके से रिकॉल कर पाएंगे, उसको याद कर पाएंगे। लेकिन यदि आप रात भर सोए नहीं हैं तो आपको परीक्षा हॉल में नींद आएगी, थकान महसूस होगी, उबासी आएगी, और आप जब ब्रेन थका रहेगा, क्योंकि ब्रेन को जब आराम नहीं मिलेगा, ब्रेन जब थका रहेगा तो वो एफिशिएंटली वर्क नहीं करेगा, चीज़ों को रिकॉल नहीं कर पाएगा, और आपको आसान से सवाल भी आपको मुश्किल लगेंगे, आपका प्रेजेंटेशन बिगड़ जाएगा, आपकी हैंडराइटिंग बिगड़ जाएगी, आप काटना शुरू करोगे, लिखोगे काटोगे, प्रेजेंटेशन खराब हो जाएगा। एग्जाम के एक रात, जो पहली के पहले वाली रात है, उसमें बहुत अच्छी नींद लें, मेरी सलाह है 7 घंटे की नींद तो ज़रूर लें, और अगले दिन समय पर उठ के, समय से एग्ज़ाम सेंटर पर 1/2 घंटा पहले पहुंचने का जो समय दिया गया, उससे 1/2 आवर ट्रैफिक बीच में होगा। एक आप भारत में परंपरा है, एक बच्चे का एग्ज़ाम है तो 3 पेरेंट छोड़ने जाते हैं, हाँ, तो उस दिन ट्रैफिक होगी बहुत ज़्यादा, यूजुअल से ज़्यादा ट्रैफिक होगी, तो आप मान के चलें कि अगर आपको 1/2 आवर का ट्रैवल है तो 1 घंटे लग सकता है, उस हिसाब से आप डिस्टेंस और समय लेके चलें और 1/2 घंटे पहले कैलकुलेट करके पहुंचने की कोशिश करें, ताकि आप बहुत पीसफुली, हड़बड़ी में, घबराहट में आप परीक्षा केंद्र में ना प्रवेश करें। तो ये इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में अगर आप रखते हैं, कोई पेपर ना भूलें रात को ही, पेरेंट को भी सारे पेपर स्टेशनरी एक जगह जमा करके रख देने चाहिए, चाहे वो एडमिट कार्ड हो या जो भी जरूरी कागजात हों बोर्ड के लिए, वो एक जगह रख देना चाहिए और साथ में उनको सुबह में लेके जाना चाहिए। ये मेरा सजेशन है। थैंक यू सो मच रवि जी। दिव्यांग न्यूज के बोर्ड के एग्जाम देने वाले बच्चों और पेरेंट्स को इतनी अच्छी मार्गदर्शन देने के लिए मेरी तरफ से सभी विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, आप बहुत ही अच्छा करने वाले हैं, इस आत्मविश्वास के साथ जाएं।